Assalamualaikum guys, welcome back to another video, another vlog. आज का जो vlog है ना, आज मेरे favorite topic के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो है perfumes. Anybody who's been following me or knows me knows that I love perfumes. And मुझे ये बुरी आदत कुछ सालों पहले लगी, अगर मैं बहुत precisely बताऊँ तो 2 साल पहले. तो मेरे पास जो पहले परफ्यूम्स होते थे वो मुझे देती थी अनिया. सो मुझे वो बर्थडेज पे, यू नो, इधर उधर ओकेजन्स पे मुझे परफ्यूम्स देती थी एंड वो ही परफ्यूम मेरे पास 4 साल तक चलते थे. एंड सडनली मेरे अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ आई कि यार परफ्यूम्स खरीदने हैं. एंड मैंने जाके एक परफ्यूम खरीदा, 2 परफ्यूम खरीदा. मैंने कहा ठीक है, 3-4 की कलेक्शन हो जाएगी, कुछ नहीं होता. लेकिन वो कलेक्शन बढ़ती गई और अभी भी मेरे ख्याल से वो XYZ एंड काउंटिंग है. तो आज मैं सारी जो मेरे पास सारे परफ्यूम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा एंड अनिया के भी परफ्यूम्स का आपको बताऊंगा. अनिया अपनी डिस्क्रिप्शन देगी, मैं अपनी. देखें अपना अपना काम. अच्छा जी, तो फॉर्मेट ये है कि एक परफ्यूम की बात मैं करूंगा और एक परफ्यूम की बात मेरी बेगम अनिया करेगी. तो थोड़ा सा प्राइस पॉइंट के बारे में सोच रहा था कि कहां से स्टार्ट किया जाए. मेरे हिसाब से लोएस्ट प्राइस से स्टार्ट करना चाहिए. मैं तो नहीं करूंगी बिकॉज मेजॉरिटी उसमें इंटरेस्टेड होती है. आई विल मेंशन द प्राइस बट आई स्टार्ट फ्रॉम मोस्ट फेवरेट टू लीस्ट फेवरेट. ओके, तो जैसे अनिया चाहे अनिया कर सकती है, जैसे मैं चाहूंगा मैं करूंगा. तो मेरे भाइयों सबसे सस्ते से स्टार्ट करते हैं एंड सबसे सस्ता इसमें से है मेरे पास ये. तो ये है अरमाफ कंपनी का वेंटाना. सो ये है 3,000 रुपये का. एंड मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, अगर मैं आपको इतना सा भी एग्जैजरेट कर रहा हूँ ना तो यू नो मैं छोड़ दूंगा सबका. इसकी स्मेल, दिस इज अ 3,000 रुपये का परफ्यूम एंड दिस इज अ 40,000 रुपी परफ्यूम. दिस इज लाइक अ 200 ml बॉटल, इसलिए महंगी. बट अगर मैं इनको साइड बाई साइड कंपेयर करूँ, मे बी फॉर 5 मिनट्स इसकी थोड़ी एल्कोहल वाली स्मेल आती है, थोड़ी सी स्पिरिट टाइप. बट दिस यू नो इज वेरी क्लोज टू दिस. तो इनकी जो स्मेल है वो बहुत आइडेंटिकल होती है, थोड़ी पेपरी टाइप की स्मेल है, फ्रेश एंड क्लीन स्मेल है. सो अगेन मैंने 2 परफ्यूम्स आपको एक साथ ही बता दिए. सो वेंटाना बाय अरमाफ. अरमाफ इज अ वेरी फेमस कंपनी फॉर क्लोन्स. सो अरमाफ 3,000 रुपये एंड सवाज 40,000 रुपीज राउंड अबाउट. अब चलते हैं अनिया की तरफ. आपको पानी पीने से फुर्सत मिल गई हो तो हम परफ्यूम्स की तरफ चलें. आई नो आई सेड आई वुड डू मोस्ट फेवरेट टू लीस्ट फेवरेट बट आई हैव सो मेनी फेवरेट्स लाइक इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू चूज बट लेट्स स्टार्ट विद फेवरेट. नहीं है कोई भी स्टार्ट कर. सो दिस आप देख सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड. दिस इज बायसेल का लिब्रे खबरे या खबरे जैसे भी उसको प्रोनाउंस करते हैं. इट्स अ फ्रेंच वर्ड सो आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट आई कॉल इट लिब्रे. दिस इज सो गुड. दिस इज लाइक अ 10 out of 10 फॉर मी. मुझे नोट्स का इतना नहीं पता, अली नोज बेटर. बट क्या कहते हैं बिकॉज ही कीप्स वॉचिंग जर्मी फ्रेगरेंस एंड गॉड नोज क्या क्या. बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स एंड दिस इज आई रेट दिस 10 out of 10. दिस इज सो नाइस. प्राइस भी बतानी है हमने. या दिस इज अबाउट 15,000 रुपये का था ये. मैंने कोई साल नहीं बट लाइक आई थिंक नवम्बर में लिया था और ये है 90 ml. सो 90 ml फॉर 15,000 एंड 10 on 10. Fair enough. Love it. I'm just gonna wear some also. So nice. अब मैं चलता हूँ सेकंड की तरफ जो है ये. तो ये है प्राइड ऑफ अरमाफ. दिस स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक प्राडा का लूना रोसा कार्बन. इफ यू कांट अफोर्ड अ वेरी एक्सपेंसिव लूना रोसा कार्बन प्राडा. लिसन ना लंबा नाम. लिसन टू मी लिंडा. लिसन टू मी. तो जो पॉइंट है ना वो ये है कि अगर आप 18,000-20,000 रुपये का परफ्यूम नहीं अफोर्ड कर सकते, प्राडा लूना रोसा कार्बन रफली इतने का ही है, तो आप ये ले लें चुप करके. बट अगेन अब साथ आ गए तो दोबारा नहीं लूंगा. आई वुड स्टिक टू वेंटाना एंड प्राइड फॉर माफ. स्मेल्स लाइक बर्गमो लेमनिश. थोड़ी इससे स्मेल मिलती है क्योंकि प्राडा लूना रोसा कार्बन जो है वो भी सवाज की कॉपी ही बनाई है, इंप्रेशन है उसका. तो आप चलते हैं तुम्हारी तरफ, स्विच करें. अच्छा जी, अब सो सेकेंड फेवरेट परफ्यूम डॉल्ची एंड गबाना लाइट ब्लू इंटेंस. इंटेंस पे मैं एम्फसाइज करूंगा क्योंकि नॉर्मल वाला ऑनेस्टली अगर आप इंटेंस ना भी लें तो उसका जो नॉर्मल वाला वर्जन है दैट लास्ट जस्ट एज वेल. या ये शायद यू नो 1-2 घंटे ज्यादा लास्ट करे बट दैट्स इट. यू कैन गेट द नॉर्मल वर्जन टू. इट्स नॉट वर्थ पेइंग द एक्स्ट्रा प्राइस बट दिस परफ्यूम इज आइकॉनिक. ये इतना फ्रेश है, परफेक्ट फॉर समर्स और इट्स सॉर्ट ऑफ यूनिसेक्स एज वेल बिकॉज आई फील लाइक अगर लड़के भी लगा लें दैट वुड नॉट मैटर बिकॉज इट स्मेल्स प्रिटी unisexy. Freshy. ये परफ्यूम जो है इस पर मेरी खाला, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, उन्होंने लगाया था. शी गॉट दिस फॉर माई सिस्टर एज अ बर्थडे प्रेजेंट कोई 7-8 साल पहले और उसके बाद से आर होल फैमिली हैज़ बिन हुक्ड. माई सिस्टर, माई मदर एंड मी. दिस इज़ द वन परफ्यूम दैट आई थिंक आई हैव रीबॉट 3 times बट एक बोतल मैं माशाल्लाह से तोड़ भी चुकी हूँ. बट ये वाला जो है ये मुझे अली ने दिया था जब उसके पहला
यूट्यूब का पे आउट आया था गेट फिट से, आई स्टिल रिमेम्बर दिस वाज अराउंड 2 इयर्स अगो। अच्छा जी, तो अब मैं चलता हूँ दूसरी पॉइंट। ओ, मैंने प्राइस नहीं बताई इसकी। तो इसकी प्राइस भी कोई नियर अबाउट 15,000 ही है। डोल्चिन गबाना लाइट ब्लू इंटेंस एंड आई लव इट, इट्स माई फेवरेट। क्योंकि ज्यादातर जो यू नो वुमेन फ्रेग्रेंस होती है ना वो बहुत ज्यादा फ्रूटी फ्रूटी होती है, तो थोड़ा सर में दर्द होता है। बट अगेन नेक्स्ट वन इज नॉटिका वॉयज। तो नॉटिका वॉयज मैंने दुबई की ड्यूटी फ्री से लिया था, इट वाज वेरी वेरी चीप। अच्छा, सबको पता है तुम चले गए दुबई ड्यूटी फ्री घूमने में, हर किसी को बताने की जरूरत। तो ये 4,000 रुपए का पाकिस्तानी बनता है, बट दिस डज नॉट स्मेल लाइक 4,000 रुपए का परफ्यूम। दिस स्मेल्स वेरी वेरी फ्रेश, बहुत फ्रेश है। मतलब मुझे ऐसे लगा था कि मैं सस्ता परफ्यूम ले रहा हूँ, तो शायद उसकी जो लास्टिंग है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी स्मेल है, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी और बहुत यू नो स्पिरिटिश होगी। बट टू माई सरप्राइज This is amazing. This is the bomb. तो अगर आपका बजट बहुत कम है, इसको ढूंढे कहीं से, ये ट्राई करें, ये जरूर लें। अगर आपको फ्रेश चाहिए इसके, मतलब देखें ब्लू जो परफ्यूम्स होते हैं ना यूजली देर वेरी फ्रेश। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लगाऊं, तो ब्लू परफ्यूम फ्रेश परफ्यूम इट इज फॉर द प्राइस, दिस इज अमेजिंग। सो लिब्री वाज अ 10 आउट ऑफ 10, डेविड ऑफ कूल वाटर वाज अ 10 आउट ऑफ 10, डेविड ऑफ कूल वाटर ये सॉरी डॉल्चिन गबाना लाइट ब्लू। कूल वाटर बहुत ज्यादा नहीं अच्छा लग गया? हाँ, मुझे वो मिल भी नहीं रहा है एक्चुअली काफी टाइम से। वाज अ 10 आउट ऑफ 10। अब मैं थोड़ा सा एक अनऑर्थोडॉक्स परफ्यूम दिखाती हूँ आप लोगों को। सो मी एंड अली वी आर बोथ वेरी बिग फैंस ऑफ जेरेमी फ्रेग्रेंस, ही इज अ गाय दैट रिव्यूज परफ्यूम्स ऑन, शाउट आउट टू जेरेमी फ्रेग्रेंस ऑन YouTube। यस, आप लोगों ने भी सुना होगा उसके बारे में। सो दिस परफ्यूम केम हाईली रिकमेंडेड बाय जेरेमी फ्रेग्रेंस, ये लैनकॉम का लविए बेल है और उसने इसको ऐसे मार्केट किया था दैट दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर फॉर वुमेन। And when I smelled it, it was too sweet and मुझे like बिल्कुल चीनी चीनी वाली perfumes नहीं पसंद, so I was very skeptical about getting it. But then मैं 3-4 और perfume pages पर गई और उस पर भी उसका इसी तरीके से review था, that is one of the best and the most hot selling perfumes अभी। तो I just went out on a hunch and I got it and it could not have been more true। मैं जब ये परफ्यूम लगाती हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे ना पूछा हो कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। सो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट गेटर, बिग कॉम्प्लीमेंट गेटर। सेम गोज फॉर अली, इवन दो व्हेन आई लाइक उसको ऐसे सुंघाऊं तो ही सेज यू नो इट्स नॉट नाइस, बट व्हेनेवर आई एम वेयरिंग इट ही विल बी लाइक यू नो कौन सा परफ्यूम लगाया है तुमने। सो या दिस इज लैनकॉम लविए बेल, दिस इज 100 ml, दिस वाज आल्सो फॉर 15,000। आई फील लाइक सारे परफ्यूम्स 15,000 के हैं, बट या। नेक्स्ट इज फेरेगामो का एफ ब्लैक। ओके, आई थिंक दिस इज एन एवरग्रीन फ्रेग्रेंस। मतलब कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब आप एक किसी कंपनी के सीईओ से मिलते हैं, इमेजिन करें ठीक है, लाइक यू नो सूट पहना हुआ है, किसी ऑफिस में बैठा है, यू नो बॉस है, ही वुड स्मेल लाइक दिस। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस पाउडरीश एंड यू नो वेरी ऑफिशियल ऑफिस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ऑफिस जाते हैं तो ये लाजमी लें। ये मैंने उस टाइम पे आई थिंक 2 साल पहले ये मैंने 4,500 रुपये का लिया था, बट अब इसकी प्राइस मैंने चेक की थी तो समवेयर अराउंड 7,500 रुपीज़ थी, एंड थैंक्स टू डॉलर बीइंग 200 रुपीज़ आई थिंक दिस विल यू नो इंक्रीज इन प्राइस अगेन। तो अब अनिया के दोबारा दिखा। सो अनदर iconic perfume for me that I have repurchased 5 times, I think this is the one perfume जो मैंने सबसे ज़्यादा repurchase किया है। ये मुझे सबसे पहले जो है मेरी 13th या 14th birthday पर gift मिला था from my mom, this is Versace का Bright Crystal, and उसके बाद से I have re-bought it 5 times। This last bottle of mine was a gift from my best friend, and क्या कहते हैं this again 10 out of 10। ये 90 ml है, आई थिंक दिस इज फॉर समवेयर अराउंड 11,000 to 12,000, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ 10, 11, 12 इसी तरह के फिगर में, बट दिस सो 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 गुड। अच्छा जी, तो अब कौन सा दिखाया जाए? आई थिंक दिस वन। एक बड़ा फेमस परफ्यूम है क्रीड एवेंटिस, अगर आप में से किसी ने स्मेल किया है यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस परफ्यूम्स ऑन अर्थ। एंड यू नो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा कहना कि इतनी सेफ फ्रेग्रेंस है और ऑलमोस्ट हर किसी को अच्छी लगती है। मैंने एवेंटिस और ये साइड बाई साइड स्मेल किया हुआ है एंड आई कैन से फॉर श्योर कि दिस इज 90 to 95% Aventus। Aventus की जो प्राइस है वो है आई थिंक 70-75,000 रुपीज। तो अगर मेरे पैसे हों भी तो मैं कभी नहीं लूंगा क्योंकि आई गेट दैट इन दिस। सो दिस इज अरमाव का क्लब डी नुई इंटेंस। सो दिस स्मेल्स लाइक लेमन पाइन एप्पल एंड यू नो वेरी फ्रेश वेरी नाइस। ये मैंने लिया था 4,500 या 5,000 का, अभी मैंने इसको जब रिसेंटली लिया था तो ये समवेयर अराउंड 5,500 का था। अनदर वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम्स, दिस परफ्यूम आल्सो आई फील इज आइकॉनिक। ये मेरी
मामा खाला सब यूज करते आए हैं एंड नाउ आई एम हुक्ड टू इट टू. अगेन वेरी समरी. इसकी स्मेल बहुत ज्यादा यूनिक है. लाइक आई हैव नॉट स्मेल्ड अ परफ्यूम लाइक इट. इट्स नॉट फ्लोरल, इट्स नॉट फ्रेश. आई डोंट नो व्हाट इट इज. ये अली बेहतर बता सकते हैं, ही इज सो परफ्यूम एक्सपर्ट. बट it's semi floral, semi fresh. It's not floral, it's fresh. I don't know yaar, it's there's something yeah, about it. There's something about it yeah. that is so unique, so different. This is Issey Miyake. I don't know again agar main usko sahi pronounce kar rahi hu. Issey Miyake. Issey Miyake ka Leudi Issey. Say Leudi Issey. Leudi Issey. Leudi Issey, whatever. But kede kede naam hote yaar. This is also 10 out of 10. Ab next perfume mein dikhaungi na, I'll tell you perfume that I bought and I regret. So this was इसकी मुझे प्राइस नहीं आता. दिस वाज वन ऑफ द परफ्यूम्स आई गॉट शादी से पहले फॉर माय सेल्फ एज अ गिफ्ट. इससे मियां की रफली 10 12000 15000 इसका जो ना ये ml कम. अच्छा 100 ml है. खैर 100 ml 10 12000 आई थिंक सो. या माय गॉड आई लव दिस परफ्यूम. दिस वन आई लव इट. ओके, अगर आप में से किसी को भी पता है पाको रबान एक ब्रांड है परफ्यूम्स का, ये 110% उसके जैसा है और उससे इनफैक्ट आई फील के ज्यादा बेहतर. एंड प्राइस में It's one third. This was 6500 rupees when I bought it. Aniya ke side pe chalte hain. Okay, so time for a perfume purchase that I regret. Main aapko ek bahut honestly aur bahut hi ek embarrassing baat batati hu, but khair ye Versace ka Dylan Turquoise hai. Bahut se logon ko ye pasand bhi hoga. I heard good things about it, but I got this perfume only because Hailey Bieber modeled for it. I'm not a fan, but I just assumed ki agar usne model kiya hai to acha hoga. But it's not bad, but it's a perfume that I would not buy again. And if I had to rate it, I would rate it a 6 out of a 10. ये भी जो है कि कहते हैं कितने ml है, 100 ml है ये, 15,000 roughly 16,000 का था. So yeah, not an investment I want to make again. It's not impressive. अच्छा जी, मैं next की तरफ चलते हैं. This is Montblanc. कुछ लोग मोंट ब्लांक बोलते हैं, कुछ लोग मू ब्लांक बोलते हैं. I've heard मू ब्लांक is the right pronunciation. This is मू ब्लांक इंडिविजुअल. This is individual. this is you mean individual? Individual, but I think you know individual. इसको बोलते हैं. मैंने जो perfume review बोलते हैं. यार मैंने जो सुना है. I think French, you know, is very fancy. So ये perfume भी 4,500 रुपए का था. मू ब्लांक इंडिविजुअल. क्रीड का एक परफ्यूम है सेंटेल, जैसे क्रीड का अवेंटस जो था ये उसी जैसी स्मेल है. एंड ये जो है ये सेंटेल होता है क्रीड का, सेम वो स्मेल है. एंड दिस वाज लॉन्च्ड बिफोर सेंटेल, सो दिस इज एन ओरिजिनल. एंड आई थिंक ये मतलब इट स्मेल्स लाइक फैब्रिक सॉफ्टनर एंड रास्पबेरी, सो उसको मिला के एक स्मेल बनती है. बट अच्छा दूसरा एक और परफ्यूम था यूपॉम. तो बेसिकली कुछ लोग जूप बोलते हैं, कुछ लोग यू पॉम बोलते हैं. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दें और थोड़ा सा ज्यादा यू नो उस तरीके से बना दें. तो दिस इज सो बैड. गो अवे. आई थिंक इट्स वेरी नाइस. अच्छा छी गाइस, अगर आपकी बेगम को या आपके दोस्तों को परफ्यूम नहीं पसंद, गाइस डोंट गेट इट, इट स्मेल्स लाइक सर्फ. इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफ्यूम गलत है या बुरा है. तो आपको जो परफ्यूम पसंद है वो आप लगाएं. एन ओवरहाइप्ड परफ्यूम दैट आई एम सो सो सैड अबाउट बाइंग. ये भी के कहते हैं मेरे शादी से पहले के गिफ्ट फ्रॉम में था. यू वांट टू टेल द स्टोरी बिहाइंड इट? या खैर, सो आई हर्ड सो मच अबाउट दिस परफ्यूम कोको शनेल मैडमोजेल. मीम्स बनी है, मैगजीन कवर्स पे आया है, मूवीज में यूज हुआ है. Iconic perfume for everyone. Yes. And you know, Chanel ka sunke ek bahut wo create hote hain. Also, it smells really, really, really nice. It is a perfume that I would want to get, but unfortunately, maine jo hai na EDT le liya EDP ki jagah, and this does not last. This doesn't even last 3-4 hours. And this was for 28,000 rupees, 100 ml. तो ये 30,000 का परफ्यूम ये 3 घंटे भी नहीं लास्ट करता. अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 5,000-6,000 रुपये डाल के EDP लें, ये ना लें. आई विल रीपर्चेज दिस बट बिकॉज आई लाइक द स्मेल अलॉट, बट आई विल बाय EDP दिस टाइम. उसकी बॉटल भी ज्यादा क्यूट है. दिस लुक सो चीप, लाइक दिस लुक्स चीपर देन अ रसासी बॉटल. अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं Versace Eros. तो अगर आपको कोई परफ्यूम आंख बंद करके खरीदना है ना, वो आप ये ले लें. अगर मैं ये और अगर आपको अपनी बेगम से ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए तो आप ये परफ्यूम ये ले लें. एंड मतलब दिस इज अ पावर हाउस. मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं. दिस वाज माय फर्स्ट एवर गिफ्ट टू अली व्हेन वी मेट. एंड दिस इज माय सेकंड बॉटल. अच्छा पहली बोतल माशाल्लाह से चोरी करवा ली थी इन्होंने, घर से गायब हो गई. सो यू नो नॉट माय फॉल्ट. अच्छा सो दिस इज Versace Eros. आई थिंक ये 100 ml है. इसकी प्राइस 15,000. या ये 15,000 का है? या I thought you know somewhere around 8-9,000 ago, but khair,
15,000 भी है अगर आई थिंक द प्राइस इज जस्टिफाइड. इसका EDT ही लें, इसका EDP मत लें, वो महंगा भी है, कोई फर्क भी नहीं है खास. ये लें बेसिक EDT Versace Rose. सो आई एम गोना डू टू परफ्यूम्स एट अ टाइम नाउ बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिमिलर. ये है नार्सिसको नार्सियो, अगेन मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, ना मैंने कभी जहमत किया सीखने की. नार्सिसको नार्सियो रॉड्रीगेस का फॉर हर. ये जो है एक पिंक वाला है, एक ब्लैक वाला है. दिस आई बॉट एज अ प्री शादी गिफ्ट फॉर माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ. दिस वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई मामू. I feel like that these two smell very very similar. So I don't think you should buy both of them together. These are good perfumes, but I don't think they're perfumes that I would buy again. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. For me, they're like a 7 out of 10. And again, मुझे नहीं पता कि मेरी नाक में कोई मसला, but I feel कि इन दोनों की smell बहुत ज़्यादा similar है. Let's do a test. Ali, तुम सुनो दोनों और बताओ if they smell similar or if I'm just like there's something wrong with me. Bottle में टूट जाए. बॉटल तो खैर बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने. Yeah, but I think ये थोड़ा बेहतर है. Really? I like the pink one better. Yeah, this smells a little like nail polish. मुझे बहुत बड़ी अच्छी लग रही है smell इसकी. Nail polish? Yeah, it's weird, but. But don't you think they smell similar? Yeah, they smell similar. And दोनों की price क्या है? This was a gift, so I don't know. ये 11-12 का था. अच्छा. ये छोटा है. ये छोटा ही ये छोटा है तो मतलब आई थिंक इसका कोई वेरिएंट नहीं होता इसको. नार्सिसको रोड्रिगेस पिंक एंड ब्लैक करके सर्च कर लें. आल्सो मैं आप लोगों को एक हेड्स अप दे दूं इन केस टेस्टर ना हो वहां पे. पिंक वाला जो है वो ब्लैक डब्बे में आता है और ब्लैक वाला जो है वो पिंक डब्बे में आता है. सो यहां पता चले लोग बोलेंगे हमें पिंक लेना, जाके पिंक डब्बे वाला लें उसमें से ब्लैक निकलेगा. सो या अब आपको मैं दिखाता हूं. ओ ये तो हो गए. अब मैं आपको ये देखें गाइस, मेरे बस ये रहते हैं और अली के ये सारे रहते हैं. अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा बल्क में दिखाने लगा हूं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो माय फेवरेट परफ्यूम ऑन द अर्थ, आई थिंक मैं 70 साल का हो जाऊं या 100 साल का भी हो जाऊं ना, या फिर मैं 15 साल का दोबारा हो जाऊं, तो मैं फिर भी ये परफ्यूम आंख बंद करके दोबारा लूंगा. मेरे पास और बहुत ज्यादा परफ्यूम्स हैं बट आई फील दिस हैज लाइक यू नो स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. दिस एक्वा डी जियो परफ्यूमो. इसमें इनसेंस, मतलब इनसेंस होती है अगरबत्ती, तो इनसेंस का बहुत अच्छा नोट है. परफ्यूम कौन लगाना चाहेगा? स्मेल इट, यू थिंक इट स्मेल्स लाइक इट, बट आई लव ना मल्लू मैं अपने ऊपर. ओके यू नो आप जाके इसको स्मेल करें. मैं बताती हूं, अगरबत्ती जला के उसका धुआं अपने कपड़ों पे दे देना तो ऐसी स्मेल आ जाएगी. 15,000 ना जाके खर्च कीजिएगा. ट्रस्ट मी, दिस इज दूसरा वाला. आई लाइक दिस इज नॉट नाइस. आई पर्सनली प्रेफर दिस वन. अच्छा एक ये एक्वा डी जियो परफ्यूमो है ब्लैक बॉटल. अच्छा एक एक्वा डी जियो नॉर्मल जो होता है इट्स द नंबर वन सेलिंग परफ्यूम ऑन अर्थ. ये बिल्कुल सेम वो स्मेल करता है वो, नहीं बट इसकी स्मेल बाद में बहुत ऑफ हो जाती है. हाँ मैं बताता हूँ. सो ये इनिशियली बहुत अच्छा है 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद इसकी थोड़ी ऑफ हो जाती है. गुलाबों की स्मेल आती है. सो ये 6,500 रुपए का है. दिस इज चीप बट इट्स फाइन इफ यू वांट टू बाय इट, इट्स वेरी नाइस. नाम तो बताया नहीं तुमने. दिस इज पेरी एलिस 360 रेड. अच्छा दिस इज एक्वा डी जियो परफ्यूमो. इसकी प्राइस जब मैंने ली थी तो ये समवेयर अराउंड 17,000 रुपए का था या 16,000 का. इसकी भी सेम प्राइस थी. Get this. So, this is so ये है Profondo Acqua di Gio. दोनों जो Acqua di Gio अगर आपने नॉर्मल वाला सुंगा हुआ ना तो आप बता सकते हैं कि काफी सिमिलैरिटी, बट अगेन दे आर वेरी डिफरेंट. दिस इज मोर फ्रेश एंड दिस इज मोर लाइक यू नो क्लासी इन माई ओपिनियन. सो दोनों आंख बंद करके लेने हैं, ले लें. लेकिन मेरा अगर ओपिनियन लेंगे ना इन सारों से, ये ले लें चुप करके. चाहे ये 25,000 रुपए का हो जाए ये ले लें, लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट. अगरबत्ती लेने से बेहतर. दिस इज अ वेरी सस्ता एंड वेरी नाइस परफ्यूम. दिस इज लवली बाय सारा जेसिका पार्कर. ये आई थिंक 4,000 का है बट इट इज सो सो नाइस. एंड इट डजंट स्मेल चीप. इट डजंट स्मेल चीप. इट डज नॉट स्मेल चीप एंड इट लास्ट्स. सो वेरी वेरी नाइस परफ्यूम. मुझे ये साल हो गया लिए हुए. आई थिंक 4,000 का, ये 6,000 का, 4,000 का था. तो एंड आई अप्रूव. यस दिस इज अच्छा जी दो दो परफ्यूम्स करके करते हैं तो मैं आपको दो दिखाता हूँ. एक जिमी चू मैन आइस. दिस इज अनियाज वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम्स एंड अनिया ने मुझे गिफ्ट किया था एंड ये भी मुझे अनिया ने गिफ्ट किया था. दिस इज बल्गारी मैन. आई हेट दिस गाइस. इट्स रियली रियली नाइस. बंदे में कोई मसला है. ये बहुत अच्छा परफ्यूम है. प्लीज डोंट लिसन टू हिम. ये अगर इसकी स्मेल आप बोलें, ऑल द बॉयज दैट हैव बल्गारी मैन प्लीज कमेंट डाउन हाउ नाइस इट इज. ओके जिमी चू मैन आइस जो है इट लिटरली स्मेल्स लाइक लेमनेड, मतलब लीमू पानी जैसी. बट अ गुड लेमनेड. गुड लेमनेड इन अ वेरी गुड वे. सो यू वांट टू गेट इट, यू नो यू वांट टू वेयर इट ऑन समर डे. ग्रेट आइडिया.
दिस नो, इसीलिए मतलब आप बता सकते हैं कि मुझे एक परफ्यूम इतना अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हारे सारे परफ्यूम्स इतने ही भरे हुए हो कि कोई भी उठा के दिखा दो बोतल, जब बंदे के पास 50 परफ्यूम्स होते हैं सब इतने ही होते हैं। लेट्स फ्लिप। आई एम प्रिटी श्योर 90% आदमियों ने पाकर रबान के 1 मिलियन का सुना होगा। एक टाइम पे वो एक ऐसा परफ्यूम होता था जब हर लड़का वो परफ्यूम लगाता था। बार ऑफ गोल्ड। इन फैक्ट इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट प्रेजेंट्स टू अली एज वेल। उसका ये विमेन वर्जन है लेडी मिलियन, ठीक है, पाकर रबान का। दिस वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम समवन वेरी वेरी स्पेशल, विच इज़ वाई आई स्टिल हैव इट, और मैं इसको बहुत कंजूसी से यूज़ करती हूँ। बट क्या कहते हैं, इट्स नॉट अ परफ्यूम दैट आई वुड रीपर्चेज, बट हर कोई जो है वो डिफरेंट होता है। मेरी सासू माँ ने एक दफ़ा ये परफ्यूम लगाया था मेरे के कहते हैं ड्रेसिंग टेबल से, एंड शी फेल इन लव विद इट सो मच दैट वी बॉट हर हर ओन बॉटल। इस तरह में उसकी प्राइस ही पता लग गई, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। बट फॉर समवन मेरे टाइप का आई वुड नॉट बाय दिस परफ्यूम अगेन। ये 80 ml है, ये कितने का था? आई थिंक 11,000 या 10,000। हाँ 11 या 12,000, नॉट श्योर बट या। अब क्योंकि फ्रेश परफ्यूम्स की हम बात कर रहे थे, सो This is Ania's favorite. This is my all-time favorite perfume. If I had to throw all his perfumes away and choose one, it would be this. So she loves this and I love it too. The only problem is ki iska EDP bhi itna zyada last nahi karta, but you know, hands down, this is one of the best perfumes I have. And naam to batao. Oh haan, sorry. Acha, iska naam hai Ralph Lauren ka Polo Blue EDP Eau de Perfume. एंड ये है वर्साची का डिलन ब्लू। ये बड़ी बॉटल है 200 ml। इन माई ओपिनियन अगर आप बड़ी बॉटल लेते हैं तो अगर आप पर ml डिवाइड करें तो 200 ml वाली सस्ती पड़ती है। सो दिस वॉज 12,000 व्हेन आई बॉट इट। रियली नाइस, इट्स अ वेरी गुड, वेरी सेफ परफ्यूम। आपको मतलब कोई सोचना नहीं है ज्यादा, यू नो टेस्टिंग का टाइम नहीं है, है नहीं टेस्ट कोई, जाके लेना चुप करके। सो दिस इज ग्रेट। अभी आपको 100 ml आई थिंक समवेयर अराउंड 10,000 का पड़ेगा, बट स्टिल वर्थ इट। सो गेट इट इफ यू वॉन्ट टू। एंड इसकी प्राइस मैं बताना भूल गया, ये है समवेयर अराउंड 15,000 का, 14,000-15,000 रुपए का है, बट सो गुड, सो गुड। ओके, सो नेक्स्ट परफ्यूम, इट्स वेरी फनी बिकॉज आई फील कि हर लड़की के पास एक ना एक विक्टोरिया सीक्रेट का परफ्यूम होता है, चाहे उसको पसंद हो या ना पसंद हो। बट मैं आज तक अभी किसी ऐसी लड़की से नहीं मिली जिसकी ड्रेसिंग पे विक्टोरिया सीक्रेट का परफ्यूम ना पड़ा। अक्सर लोग बॉम्बशेल लेते हैं, आई हैव नेवर यूज्ड इट, आई हैव नेवर स्मेल्ड इट। ये विक्टोरिया सीक्रेट का टीज है, इट इज डिफरेंट एंड कंपेयर टू अदर विक्टोरिया सीक्रेट परफ्यूम्स दैट आई हैव स्मेल्ड एंड टेस्टेड, दिस लास्ट बिकॉज विक्टोरिया सीक्रेट के लिए मशहूर है कि उनके परफ्यूम्स बिल्कुल भी लास्ट नहीं करते हैं, बट दिस डज लास्ट। मैंने एक दिन लगा के अगले दिन भी अपने कपड़ों पर इसके maybe because it's EDP, but not a perfume I would repurchase again. It smells very softener type-ish, but yeah, no, I don't think I would buy it again. I don't know, this was a gift from my sasuma. I hope she doesn't see this, and if she does, I'm sorry, amma, but... Koi baat nahi, yaar. तुमने भी तो मुझे दिया था Bulgari Man. Excuse me, it's really nice, okay? I don't like it. अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ दो perfumes जो कि winter time के लिए सबसे best हैं और बहुत elegant हैं. So this on a warm day, you want to smell this again? Oh my God, it smells like, you know, wood, tobacco. Yeah, and it's nice. You know, I don't know how to explain it. Leathery. It's very, no, leathery. Yeah, थोड़ा सा ना. Udi है थोड़ा सा, but it's nice. नहीं, udi नहीं है, but you know, I don't know. It's warm. Dark. Yeah, it smells warm, deep. Dark, deep. And ये है YSL का La Nuit. Also one of my favorite perfumes. And this is, you know, so good. I think ये पहले भी मेरे पास था और ये दोबारा मुझे अनिया ने प्रेजेंट में दिया था, आई थिंक ये अभी रिसेंट बर्थडे पे पहले मैंने दिया था, अभी मामा ने दिया था, अभी मामा ने दिया था। सो दिस स्मेल्स सो गुड, आई कैन नॉट इवन टेल यू। सो यू नो ये भी बहुत वार्म वनीला टाइप की इसकी स्मेल है, यू नो, बट इट्स वेरी एलिगेंट। दिस इज ऑन द एलिगेंट साइड, दिस इज ऑन द विंटर वुडी साइड। तो यू नो दोनों सेफ बाय, वेरी बिजनेसमैनी। तो अगर आपको बिजनेसमैनी देखना है मेरी तरह तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। प्राइस बताना भूल गया। सेज द गाय वेयरिंग अ शर्ट दैट सेज पॉपिंग इन टू से नो वन इज बेटर देन यू। YSL का La Nuit de L'Homme is somewhere around I think 17-18-16 या आई रिसेंट मैंने चेक किया था 17-18,000 का था अभी ये। एंड Dolce & Gabbana द वन मैंने लिया था उस टाइम पे आई थिंक 11,000 या 12,000 का, नाउ आई थिंक समवेयर 14-15,000 का होगा, बट अगेन यू नो वर्थ इट, जरूर लें। परफ्यूम मैंने अपनी अम्मी की ड्रेसिंग टेबल से चोरी किया था, आई डू नॉट नो द प्राइस। इट्स बर्बरी का है ये, इट्स कॉल्ड ब्लश। 90 ml है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है।
I might buy it again. 50-50. Do you have any idea about the price? I have no idea about the price actually. But sorry guys. Yeah, sorry, but this is really nice. I think I'm 60% inclined towards buying it and 40% towards not buying it. But if I had to rate it, I would rate it 7 out of 10. But yeah. ये अच्छा परफ्यूम है. I think मेरा एक ही परफ्यूम रह गया तो मैं साथ ही बता देती हूँ फिर तुम अपने करते रहना. दिस इज राल्फ लॉरेन का रोमांस. दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रेश एंड वेरी नाइस वेरी समरी. अली को बहुत पसंद है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद. सो अगेन इट्स नॉट परफ्यूम दैट आई वुड री बाय. या बट इट्स वेरी समरी. प्राइस इट वॉज अ गिफ्ट अगेन आई डोंट. सॉरी गाइस गूगल कर लें. राल्फ लॉरेन का क्या है? रोमांस. रोमांस. And I am done. अच्छा जी मेरे 3 रहते हैं, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ. तो क्योंकि हम प्राइस लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रहे हैं, ये मैंने अभी मेरी सबसे रिसेंट परचेज ये थी. इट्स सेंस स्टोरी है ना, आई थिंक सो. हाँ सेंस स्टोरी कंपनी है उसका. 24 गोल्ड इसका नाम है. इसका ऊद एडिशन भी आता है बट दैट वाज टू स्ट्रांग. दिस इज ग्रेट. मतलब अगर आपको ऊद वाला टच पसंद है शलवार कमीज के लिए, आई थिंक रियली नाइस. हर फ्राइडे को यू नो दिस फील्स रियली रियली नाइस. अगर आपको लगाना है नॉर्मल दिन में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है. एंड दिस वाज फॉर 11,000 एंड द गुड थिंग इज दैट इट्स नॉट वेरी ऊदी, लाइक इट्स अ वेरी नाइस ऊदी. क्योंकि काफी लोगों को ऊद जो है वो नाक में चुभता है, सर में दर्द होता है बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बट ये बहुत अच्छा ब्लेंड है. बट इट्स अ वार्म फ्रेग्रेंस. अगर आप इसको विंटर में पहने तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे. सो अब दूसरी की तरफ चलते हैं. ये है स्ट्रॉन्गर परफ्यूम एम्पोरियो अर्मानी का. दिस वाज फॉर 18,000 रुपीज व्हेन आई बॉट इट. शादी बिल्कुल शादी के दिनों में ही मैंने लिया था, आई थिंक 5-6 महीने पहले. अगर आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है, ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी मीठी, तो आप ये इसको बिल्कुल ले सकते हैं. इन माई ओपिनियन इट्स ग्रेट. वुड यू रीबाय इट? Maybe अगर खत्म हो जाए और मेरे पास और कोई ऐसी फ्रेग्रेंस ना हो. Basically जब खत्म हो जाए और बाकी सारे परफ्यूम्स ना हो तब you would rebuy it, so that's a no. So technically I won't rebuy it, but it's very nice. मतलब it's too strong and it smells feminine. So bottle से सब smell कराता हूँ ना अनिया को, तो अनिया बोलती है yo I don't like it. और 2-3 दफा जब मैं लगा के आया ना, she's like what perfume are you wearing? Because it smells feminine. Like औरतों के हिसाब से अच्छा परफ्यूम है. Last perfume की तरफ चलते हैं. ये है ब्लू डी शनेल. The most overhyped. तो very very overhyped. Is it worth the price? I'd say no, because this is very expensive. जब भी शनेल का कोई टैग आ जाए ना कि you know perfume शनेल का है, उसी तरीके से शनेल फजूल में expensive है. But is it nice? It is very very nice, but it's not worth the price. ये मैंने ये भी ड्यूटी फ्री से लिया था. एक्चुअली ड्यूटी फ्री से नहीं लिया था, ये मैंने सेफोरा से लिया था. ड्यूटी फ्री पे सस्ता था ये. ड्यूटी फ्री पे समवेयर अराउंड 28 का था और सेफोरा पे मैंने ये 32-33 का लिया था. दिस इज 150 ml EDP. इसकी अगर पाकिस्तान में मार्केट प्राइस जो है दैट इज समवेयर अराउंड 38-40-42. अब ये हर स्टोर टू स्टोर वेरी करती है. But is it nice? It is amazing. It smells very very nice. इसको बहुत कंजूसी से मैं लगाता हूँ क्योंकि बहुत महंगा था और ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतना ही यूज हुआ है. But again, it's very nice. If you want to get it, you know, it smells like fresh. It's funny how we have to re-smell our perfumes. Yeah, it's fresh, but you know, it's very creamy and बहुत अच्छा dense है. Creamy? So, how can a perfume be creamy? I don't know how to explain it, but it's great and पैसे सबसे ज्यादा पता क्या लगता है कि पूरे हो गए और बॉटल एक्सपेंसिव है. इसकी भी होती है. स्वाज की भी होती है. हाँ इसकी इतनी अच्छी नहीं है. स्वाज का मैग्नेट. स्वाज का मैग्नेट अच्छा. हाँ टिंग. सो गाइस दिस वाज इट. ये हमारी परफ्यूम कलेक्शन थी. ये आप देख सकते हैं कि हम थोड़े से पागल हैं, हमें थोड़ा शौक है. मेरी बेगम को इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे थोड़ा ज़्यादा है. तो ये मेरी उसको क्या बोलते हैं, अदना सी कलेक्शन है, छोटी सी छोटी सी कलेक्शन है. तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है नया कोई परफ्यूम लेने के लिए बिकॉज आई थिंक के मेरे पास सारे हैं. बट अगेन जब भी मैं लेता हूँ तो मेरे दिमाग में यही होता है कि यार मेरे पास तो थे सारे, फिर और क्यों ले लिए. सो ये थोड़ी सी फजूल खर्ची भी है बट अगेन शौक का कोई मोल नहीं होता. तो अगर आपको परफ्यूम्स के बारे में और वीडियो देखनी है और डिटेल के बारे में आप जानना चाहते हैं, यू नो आपकी कोई सजेशन है, फीडबैक, आप चाहते हैं परफ्यूम्स के बारे में और वीडियोस बनाएं तो कमेंट्स में बताएं, हम और वीडियोस बताएंगे बजट सीरीज के हिसाब से, आपके प्राइस पॉइंट के हिसाब से. सो यू नो वी कैन गाइड यू बेटर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से.
I feel like a perfume expert, just by the way. तो यू नो दिस वॉज इट, ये हमारी कलेक्शन थी. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, नए ब्लॉग के साथ आऊँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़.